बड़ी खबर जान लीजिए, प्रयागराज पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महेंद्र नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं सीएम योगी। बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और बता दें आपको प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को। उसी कमरे में रखा गया है, उसी जगह रखा गया है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और अब खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं महेंद्र नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप मठ से देख रहे हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाए। क्या लग रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से कुछ चीजें थी जो इनको परेशान कर रही थी, क्योंकि इसमें बड़े सारे नाम भी आ रहे हैं। जी, वो उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे, और उसी आधार पे ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीज़ें हैं वो जो सुसाइड नोट में हैं उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पे पहुँचेगी। अभी कह सकते हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई दबाव मेंटली रहा होगा, जिसकी वजह से किया, कुछ इस धाराओं में भी करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात भी इसमें कर रहे हैं लोग। हमारी टीम स्थानीय पुलिस की पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है, और मुख्यालय से सभी तरह के साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट करना तथा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में अगर राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, हम पूरी तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हैं। कुछ कितना टाइम लग सकता है, कुछ माना जाए तो अप्रॉक्सीमेटली? ये हमारे हिसाब से कोई इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। कोई आसपास ही हम कह सकते हैं उनके जिसने जो इसका घटना का इस संबंध में कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, जो भी विवेचक होता है, लेकिन एक कानूनी तरीके से भी कुछ समय अवधियाँ होती हैं, हम उस समय अवधि में विवेचना पूर्ण कर लेंगे। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी तमाम चीजें बाहर आएंगी। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने तमाम बातें कही है, मतलब साफ है कि तमाम चीजों के नजदीक है पुलिस और प्रशासन, इस पूरे वाक्य पर नजर बना के रखे हुए, एक एक सबूत की जो है कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द तमाम चीजें बाहर आएं। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चार बड़े पुलिस अधिकारी जांच इस पूरे मामले की कर रहे हैं। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने और कुछ कहा है वो भी सुनिए। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा